Okay, last time we started with object this handwritten sheet number 51. Handwritten sheet number 51 के अंदर हमने क्या किया? Concept of potential energy, concept of potential energy, conservative, non-conservative, and इसके base पे principle of conservation of mechanical energy, and यहाँ से start करते हैं. Show that total mechanical energy of a freely falling object remains constant throughout its fall. तो इसके अंदर क्या करेंगे कि let us suppose आपके पास एक object है. Object वैसे तो हमने total energy constant कर लिया था last time, लेकिन वो conservative non-conservative के तरीके से था. इसमें बोल रहा है कि freely falling body की total energy constant prove करो, और total energy के अंदर sum of potential and kinetic. तो let us suppose ये object यहाँ से start होता है with initial velocity of zero. At this point total potential energy is equal to what? mgh. Kinetic is zero. Total is mgh. At point B, total energy is sum of potential and kinetic. Potential mein kya aega? Mg into h minus x. Kinetic mein, let us suppose this ball has acquired a velocity of v at this point. So kinetic energy is equal to half mv square. अब v की वैल्यू इस इंस्टेंट पर निकाल लेते हैं. लेट अस सपोज बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx. इस v स्क्वायर को उठा के यहां पुट करेंगे 2gx, 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करके टोटल एनर्जी एक बार फिर से कितनी आ गई? mgh. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट इज एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल यहां पर क्या आएगी? 0. Kinetic will be equal to half mv dash ka square. So v dash ki value yahan se yahan nikal aayegi. V dash square minus 0 square is equal to 2gh aana chahiye tha yahan pe. Achha, sorry, haan, niche, v dash square, sorry. We are calculating v dash. So v dash square minus 0 square is 2gh. So v dash ki jaga value put karenge and will get mgh. So total energy at point A, B and C is constant. So ye प्रूव करने को आपके स्कूल में आएगा एनसीईआरटी, लिख ले फॉर एनसीईआरटी. तो इस पूरी शीट में दो ही चीजें हैं जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैंने बताई, एक ये वाली और एक पीछे जो ये वाला केस बताया था, केस नंबर 1, 2, 3, 4, ये वाले. तो पूरी शीट में बाकी सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कुछ याद नहीं करना आपको, सिर्फ समझ आना चाहिए. अदरवाइज ये दो पार्ट, दो चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट है, अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, लेट अस सपोज ऊपर जा रही है, तो अगर कोई बॉल ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसमें क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऊपर जाते 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 इंक्रीज. काइनेटिक क्या होगी? डिक्रीज. टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम. तब देख सकते हो टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी, जब बॉडी ऊपर जा रही है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इस शीट के बाद शीट नंबर 48 आपकी असाइनमेंट में अटैच्ड है, पर जो नेक्स्ट शीट है उसकी नंबरिंग 48 है. नंबरिंग वाइज प्लीज 48 लिख लेना, शीट नंबर 48. तो यहां से स्टार्ट करेंगे. यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन यही है क्या? क्वेश्चन यही होगा इसके बाद का, ठीक. कितने लोगों की शीट इनकम्प्लीट है? ये इनकम्प्लीट है. एक पेज या सारी? एक पेज, एक पेज जाते हुए ले लेना, कोई बात नहीं, जाते हुए ले लेना, कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन है, बाकियों की शीट में ये क्वेश्चन है. ओके, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज शीट नंबर 48 का प्रिंट आउट लेंगे. नंबरिंग वाइज उल्टा हो चुका है क्योंकि हम शीट नंबर 50 कर रहे थे, उसके बाद 48 आया है क्योंकि दो शीट में स्किप कर चुका था, तो नंबरिंग पूरी कर रहा हूं. तो लेट इट बी 48 ओनली. तो कंप्यूटर में जो लोग सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग, वो 48 का ही प्रिंट आउट ले सर्वर से. तो 48 शीट का फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको एक सब्जेक्टिव शीट भी दी थी मैंने होमवर्क करने के लिए. दो मिनट दो फिर. तो सब्जेक्टिव शीट के अंदर ये रही सब्जेक्टिव शीट नंबर 19 दी थी मैंने, एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1. एक बार स्टेटमेंट रीड करना प्लीज.
क्वेश्चन नंबर वन, ये शीट मिली थी, कितने लोगों ने ट्राई की ये शीट? ठीक, तो थोड़ी मुश्किल होगी पीछे जाके ये शीट, शुरू शुरू में थोड़े बहुत फिर भी इजी हैं, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर वन के अंदर गिवन क्या है ये देखो। क्वेश्चन इज कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 N। तो एक बॉडी पे 20 N की हम फोर्स लगा रहे हैं। वॉट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड By the body at the end of 10 seconds. 10 seconds के बाद क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हम 10 सेकेंड के बाद क्या निकालेंगे? वेलोसिटी वी। तो एक काम करते हैं, इस हैंड रिटन शीट नंबर 48 का पहला क्वेश्चन भी यही है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है 5 kg और 20 N की फोर्स हम लगा रहे हैं, और लेट अस सपोज 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले बाय अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। देन बाय अप्लाइंग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू इज 0, ए इनटू टी, टाइम 10 सेकंड गिवन है, क्या निकलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई 10 सेकंड पे। देन विल कैलकुलेट हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास पता है, वेलोसिटी पता है, हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? फर्स्ट ए, देन वी, देन हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक 2 kg का ब्लॉक गिवन है और आपको साथ में क्या गिवन है? 7 N की फोर्स अप्लाइड, इसमें अप्लाइड हमने की अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन में कोफिशियंट गिवन है 0.1, तो स्टैटिक सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल सकती है एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी, एम की जगह 2 × g, म्यू टाइम्स एम जी से आंसर आएगा 1.96। मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आपको करना पड़ेगा म्यू टाइम्स एम जी। ये बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, एक अप्लाइड फोर्स है और एक अपोजिशन की फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है। तो नेट फोर्स कितनी है? 7 − 1.96, 5.04। तो ये नेट फोर्स है जो बॉडी को आगे लेके जा रही है, और आपको वर्क डन निकालना है कितनी देर के लिए? 10 सेकंड। लेकिन ये वर्क डन किसका निकालना है? बाय अप्लाइड फोर्स। पहले काम करते हैं, बॉडी एक्सेलरेट तो करेगी, बॉडी की एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? नेट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन आ गई, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अप्लाई करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह क्या पुट करेंगे? 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, तो सॉल्व करके क्या आएगा? 126 meters। तो अल्टीमेटली ये बॉडी 126 meters तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ए पार्ट है, व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स में, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है? 7 N, 7 N। नेट फोर्स नहीं कहा, अप्लाइड फोर्स कहा, तो सिर्फ अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 7 × 126 आंसर। नेक्स्ट पार्ट में कहा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डिस्टेंस तो अब भी 126 है, लेकिन फोर्स कौन सी यूज करेंगे? फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी डायग्राम में क्या आती? 1.96, और फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव। एक और आंसर, व्हाट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो फोर्स कौन सी यूज करेंगे अब? नेट फोर्स, बड़ी में से छोटी, इनटू डिस्प्लेसमेंट आंसर। ये भी पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, नहीं बोलना, वर्क डन बाय ऑल बाय नेट फोर्स, और नेट फोर्स ने कितना वर्क डन निकाला? इतना निकाला। तो यही हमारी क्या मानी जाएगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो याद रहेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम गिव द अमाउंट ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो ये पार्ट हो जाएगा सॉल्व। ओके, जैसे ये नेक्स्ट पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन है? नेक्स्ट पार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, क्योंकि चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो जो पावर होगी वो वर्क डन अपॉन टाइम होगा, या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होगा।
तो पावर की वैल्यू वर्क डन बाय टाइम या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ये फॉर्मूला है राइट। दूसरी चीज, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, जैसे मैंने बताया इसके यूनिट्स क्या होंगे, जूल पर सेकेंड, जिसको क्या लिखा जा सकता है, वॉट्स। ये भी क्लियर है, वॉट्स। नेक्स्ट है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम होता है, और वर्क डन क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर कोई बॉडी इमेजिन करो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है, तो कैन वी राइट एस इज इक्वल टू वी इनटू टी। तो यहां से एस बाय टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी। तो इसकी जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है, वी। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। मतलब कब काम आएगा, जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो पावर भी हर इंस्टेंट पे फिर चेंज होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो यहां पे, प्लीज कहीं पे नोट कर लो। ठीक, देखो तो फिर अब इसके देखो कि आपके पास ना, लेट अस सपोज दो क्रेन्स हैं या दो मशीन्स हैं, क्रेन्स लगा लेते हैं, दो क्रेन्स हैं, दोनों का काम है गाड़ी को उठाना, सेम मास की गाड़ी को उठाएंगे वो। अब एक क्रेन क्या करती, देखो अगर वो मान लो एच हाइट तक किसी कार को उठाती है क्रेन, तो वो वर्क डन कितना करती है, इज इक्वल टू एम जी एच। तो वर्क डन बाय क्रेन इज इक्वल टू एम जी एच, जितनी हाइट उठाएगी उतना ही वर्क डन होगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? अब एम जी एच बाय टाइम, तो पावर क्या, कितनी पावर होगी क्रेन की, एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम टी। दोनों क्रेन अगर एच हाइट तक कार को उठाना चाहती हैं, तो वर्क डन दोनों का सेम होगा एम जी एच। पर एक क्रेन जल्दी ये काम करती है और एक लेट करती है, तो एक का टाइम कम है, एक का टाइम ज्यादा। जिसका टाइम कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। गाड़ियों में भी तो यही होता है, दिल्ली जाना है, मारुति 800 भी दिल्ली जाती है, पर लेकिन कोई बड़ी गाड़ी होगी, मान लो कोई भी बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, वो भी तो जाएगी, पर वो जल्दी पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि वही काम करेगी कम टाइम में, क्योंकि उसके इंजन की पावर ज्यादा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो काम तो हर कोई मशीन करती है, लेकिन जो टाइम कम लेती है उसकी पावर ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों क्रेन्स की पावर अलग है, तो फिर दोनों का वर्क डन क्या सेम होगा? आंसर यस, वर्क डन तो सेम होगा, काम तो सेम करती हैं। पावर क्या सेम होगी? नहीं, पावर सेम नहीं होगी। जो टाइम कम लेगी उसकी पावर ज्यादा, जो टाइम ज्यादा लेगी उसकी पावर कम। तो ठीक हो गया यहां तक, लेकिन वर्क डन क्या होगा, सेम। ठीक, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, समझ में आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन नया टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बड़े ध्यान से देखना है, जिसमें एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट बेस्ड है और एफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर क्या बताया जाता है, सबसे पहले एक एफिशिएंसी का मतलब समझ लो होता क्या है। एफिशिएंसी का जो सिंबल होता है वो ईटा होता है, ईटा। एफिशिएंसी का मतलब है कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, या तो ये डेफिनेशन है, या फिर आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, एनर्जी ये भी
एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बस याद रहे एफिशिएंसी के कोई यूनिट्स नहीं होते, अगर ये वॉट्स है तो ये भी वॉट्स है, अगर ये जूल है तो ये भी जूल है, ठीक, या तो वॉट्स अपॉन वॉट्स या जूल अपॉन जूल्स। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कोई मशीन है, कोई मशीन आप बिजली से ऑन करते हो, चलाते हो, मोटर है, कुछ भी है, तो इनपुट एनर्जी वो क्या ले रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट एनर्जी है, बिजली की एनर्जी जो है पावर, बिजली की जो पावर है वो इनपुट पावर मानी जाएगी। मान लो पानी को ऊपर चढ़ाती है बिल्डिंग के, तो आउटपुट क्या माना जाएगा? आउटपुट माना जाएगा, क्योंकि वो पानी को ऊपर चढ़ा रही है तो वर्क डन कितना कर रही है? एनजीएच अपॉन टाइम। ये जो पावर आएगी, कौन सी पावर आएगी? आउटपुट आएगी। आउटपुट बिजली की फॉर्म में कैसे आएगी? आउटपुट तो कुछ काम ही, मशीन तो कोई काम ही करेगी, तो आउटपुट में कुछ काम करके दिखाएगी मशीन, और इनपुट में कुछ भी फॉर्म में एनर्जी ले सकती है, कोयले की फॉर्म में ले सकती है कोई मशीन, कोल ले सकती है, पेट्रोल ले सकती है, डीजल ले सकती है, बिजली की कुछ तो इनपुट लेगी जिसे मशीन चलेगी, वो इनपुट पावर है। या सेकेंड डेफिनेशन ध्यान से देख लो, कोई मशीन है, कोई कार है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है, वो कितना चलेगी? चलेगी का मतलब कितना वर्क डन करेगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना चल पड़ी उतना ही आउटपुट आ गया, डिवाइडेड बाय इनपुट क्या लेगी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को बर्न करके वो पेट्रोल की एनर्जी निकालेगी, तो वो उसकी इनपुट एनर्जी होगी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है तो इनपुट में क्या ले रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट में क्या कर रही है? काम ही करके दिखा रही है। तो आउटपुट में हमें वर्क डन ही करवाना होता है किसी भी मशीन से, इनपुट में वर्क डन नहीं, कार को धक्का मार के, ये नहीं कहूंगा कि कार को मैं ही धक्का मारूंगा और देखो कार भी चल पड़ी, तो 100% एफिशिएंसी है यार, जितना मैं धक्का मार रहा हूं, मतलब मैंने वर्क डन किया और आउटपुट भी वर्क डन आया, ऐसे तो मशीन का फायदा ही नहीं जो मैंने काम कर दिया। तो इनपुट में क्या दूंगा? किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी, आउटपुट में क्या मिलेगा? वर्क डन। तो डेफिनेशन क्लियर है। और ज्यादातर क्या सारी मशीनों की एक ही प्रॉब्लम है, एनर्जी ज्यादा लेती है, वर्क डन कम करती है, तभी तो एफिशिएंसी कार्स की 100% का आती है, बहुत कम आती है, इतना महंगा पेट्रोल डलवा और चलती कितनी है? कुछ भी तो नहीं चलती वो एक लीटर के हिसाब से, क्योंकि उसमें उसको बहुत सारे काम करने हैं, उसको एसी भी चलाना है, तेज भी लेके जाना है, और बहुत सारी फीचर्स हैं उसके। लेकिन अगर बड़ी सिंपल सी कार बनाई जाए जिसमें कुछ ना करना, बस चलना ही है, तो बात खत्म, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। कुछ नहीं करना फिर तो चार पहिया का ऑटो ही बना दो, ऑटो ज़्यादा चलेगा, कार भारी है, भारी होने से वो थोड़ा कम चलेगी, क्योंकि भारी है, क्यों भारी है? इंजन भारी है, इंजन क्यों भारी है? उसमें और भी उसने काम कर रहे हैं, एसी भी चलाना है, बोलते रहा हूँ, बहुत सारी काम, और पावर भी देनी है उसने गाड़ी को, तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसे एफिशिएंसी कम हो जाती है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। किसी घर में एक टैंक लगा हुआ है पानी का, वो पानी का टैंक 40 मीटर ऊपर लगा हुआ है, हम पानी को चढ़ा नहीं सकते 40 मीटर ऊपर, तो हम क्या लगाएंगे? नीचे पंप लगाएंगे पानी का। वो पंप की एफिशिएंसी कितनी है? 30% है। पंप किससे चलता है? बिजली से चलता है। बिजली लेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, उसका 70% खराब कर देगा, 30% का वर्क डन कर देगा, और वर्क डन में क्या करेगा? पानी को ऊपर चढ़ा के दे देगा। पानी कितनी हाइट पर चढ़ेगा? 40 मीटर। तो एक पंप की कुछ चीजें गिवन है इसमें, जो टैंक है कितना पानी का भरना है, 30 मीटर क्यूब का टैंक है, तो पानी कितना स्टोर हो जाएगा? 30 मीटर क्यूब गिवन है। कितनी देर में हो जाएगा? 15 मिनट में होगा। क्वेश्चन है कितनी इलेक्ट्रिकल पावर, इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल पावर है, क्योंकि बिजली आउटपुट नहीं है किसी मोटर में, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलवेज इनपुट एनर्जी। तो कितनी बिजली की पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम बाय द पंप, तो पंप बिजली की पावर कितनी कंज्यूम करेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये बताओ बिजली की जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है, बिजली से मोटर पंप चलेगा। फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट है पानी का ऊपर चढ़ना। तो यानी कि आउटपुट में पता है क्या आएगा? आउटपुट इज एनर्जी कितनी है, पानी जो वर्क डन करेगा वो पंप क्या करेगा? एनजीएच लिख लो यहाँ पर, आउटपुट वर्क डन, एनर्जी स्लैश आउटपुट वर्क डन, यहाँ लिखो एनर्जी स्लैश आउटपुट वर्क डन। तो पंप आउटपुट वर्क डन क्या करेगा? एनजीएच, ठीक। तो पंप आउटपुट का वर्क डन क्या करेगा? एनजीएच। लेकिन मास तो मुझे गिवन ही नहीं, कोई बात नहीं, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
आपको वाटर के केस में कभी भी डेंसिटी गिवन नहीं होगी, आपको याद रखनी है। एसआई सिस्टम में पानी की डेंसिटी है 1000 और सीजीएस में 1। तो क्योंकि वॉल्यूम मुझे गिवन है 30 एसआई में, तो डेंसिटी 1000 है, मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा मास, तो कितना पानी का मास ऊपर चढ़ेगा इतना। अब इनपुट पावर क्या होगी इलेक्ट्रिकल, आउटपुट में क्या होगा एमजीएच अपॉन टाइम, पावर की बात हो रही है, ये वर्क डन है, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट पावर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एफिशिएंसी के फॉर्मूले में एफिशिएंसी को क्या पुट करेंगे 30%, परसेंट के लिए ये 100 कहां चला जाएगा इसके नीचे, तो 30/100। आउटपुट पावर में क्या लिखेंगे एमजीएच अपॉन टाइम टी, इनपुट में क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जो मुझे निकालनी है, क्योंकि यहां पर इनपुट पावर इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एम पता है, जी पता है, एच पता है और टी पता है, तो क्या नहीं पता पी, इनपुट, इनपुट पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि एक मैन साइकिल को एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहा है, लेके जा रहा है। ठीक, ये ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन में गिवन है स्लोप गिवन है 1 in 20, ये याद रख लेना, मैंने फोर्स में भी बताया था। इन मतलब कि स्लोप का मतलब साइन थीटा 1/20। ठीक, स्लोप 1 sin theta 1/20। गुड आउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अब इसमें वेलोसिटी कितनी है 6.4 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है वो। वेट ऑफ मैन एंड साइकिल 98 केजी है, फाइंड वर्क डन पर मिनट, एक मिनट में वो कितना काम करता है साइकिल वाला ये बताओ। अब इसमें फ्रिक्शन है, लेकिन वो रोलिंग फ्रिक्शन है, टायर जब घूमते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन काम आती है, और रोलिंग फ्रिक्शन रोटेशनल मोशन का पार्ट है, तो इसलिए वो घिसटता हुआ नहीं लेके जा रहा साइकिल को, रोल करता हुआ लेके जा रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन इसमें काउंट नहीं करनी, और घिसटती हुई जानी तो देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को इसमें इन शॉर्ट कंसिडर नहीं करना, अगर करना होता वो आपको म्यू दे देता, अगर म्यू नहीं दे रहा तो फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना। ठीक, अब देखो इसमें, अब इस केस में जो पावर है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया क्योंकि साइकिल वाले की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यहां पर फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो वो कम से कम कितनी फोर्स लेके जाएगा, मतलब जब वो ऊपर जाएगा इसको कौन सी फोर्स नीचे लग रही है एम जी साइन थीटा, जब ये ऊपर जाएगा तो कौन सी फोर्स नीचे लग रही है एम जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन तो करना नहीं है, तो कम से कम ऊपर की फोर्स वो कितनी अप्लाई करेगा एम जी साइन थीटा, तो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी एम जी साइन थीटा इनटू वेलोसिटी। तो आपको एम पता है, जी पता है, साइन थीटा 1 in 20 पता है, वेलोसिटी पता है, तो क्या आ गई पावर, आ इतनी पावर से वो ऊपर जा रहा है, पर आपको पावर थोड़ा निकालना है, आपको तो वर्क डन निकालना है, एक मिनट में कितना है, पावर क्या होता है वर्क डन बाय टाइम, पावर की वैल्यू वर्क डन क्या है पावर इनटू टाइम, पावर की वैल्यू आ गई टाइम, 1 मिनट में कितना है 60 सेकेंड, मल्टीप्लाई करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो पहले साइकिल वाले की फोर्स इनटू वेलोसिटी से क्या निकलेगी पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, टाइम को पुट करके क्या आएगा वर्क डन। ठीक, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आप खुद नहीं कर पाएंगे, मैंने शीट दी तो थी, कई लोग बोलते हैं कि सर आप पहले करवा देते हो तो शीट ट्राई करने का टाइम नहीं मिलता या मौका नहीं मिलता, तो आपने मौका भी लिया, कईयों ने, आपको मुश्किल लगेंगी ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि मेरा मानना है कि वर्क पर एनर्जी का चैप्टर अगर हिलाना है, हिलाना मतलब कि जब आप को लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे को कम से कम 100 न्यूमेरिकल करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि वो भी 2 बार टेस्ट लेने के बाद कि हाँ अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। बट एक एक टाइप मैंने अपनी शीट में डाली हुई है, ये शीट्स के बाद और शीट्स हैं मेरे पास, मतलब आप ये लगा के चलो कि मुझे लगता है कि इन शीट्स के बेस पे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाना चाहिए, आज तक तो
हुआ ही है लोगों से, मतलब कॉन्फिडेंस आया ही है। 100 में से यार एक तो क्वेश्चन आना है, 100 की रेशियो में से एक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हम ठीक कर ही लेंगे। मोर वो एफिशिएंसी, मोर इनपुट मोर आउटपुट, ठीक। तो जितना इनपुट दोगे उतना ही, अब चार न्यूमेरिकल में से क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं आएगा, चार में जीरो ही हो जाएगा जो भी है। फिर तो चार ही मत कराओ, फिर तो बंदा कहता है थ्योरी करके सीबीएसई बस काम कराओ, कंपटीशन कराओ मत, कराना है तो फिर ठीक तरह कर लो फिर जो करना है, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, और भी क्वेश्चंस हैं वक्त मर्जी पार के, वैसे यहाँ तक ख़त्म नहीं है, ये मिनिमम पॉसिबल है। उसके लिए अब मैं एक काम शुरू करने वाला हूँ, अगले हफ्ते से मैं ऑनलाइन टेस्ट ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट्स बोल लो। तो उसमें शीट देने की जरूरत नहीं है, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आप ऑनलाइन जितने क्वेश्चन, कईयों को और डिमांड होती है, और क्वेश्चन वैरायटी चाहिए, और चाहिए और चाहिए, तो उसमें हम अपलोड कर देंगे, जिसको जो करना है उसमें करे, और उसके अंदर सोल्यूशन साथ में आ जाते हैं जब आप अटेम्प्ट करते हो पेपर, कितने राइट कितने रॉन्ग, तो वो सारा उसमें लिखा होगा सारा कुछ, तो आप प्रैक्टिस घर पे भी कर पाओगे, ठीक। तो अभी लेकिन अभी नहीं शुरू करना चाहता, अभी एग्जाम्स हैं आपके, आप आराम से पहले एग्जाम्स दे लें, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उसी शीट पे वापस जाएं, और क्वेश्चन नंबर 8 करें, 8 की स्टेटमेंट पढ़े, रादर 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े, सब्जेक्टिव शीट 19 का 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉब, पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है कि एक बॉब है, ये बॉब कितनी हाइट पर है, 10 सेंटीमीटर हाइट पर है ग्राउंड से, 10 सेंटीमीटर पे है, तो एच पता लग रहा है 10 × 10^-2। मैंने यहां से इसे रिलीज कर दिया तो पेंडुलम की तरह ये नीचे 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 आया, और इट विल अटेन अ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, वी हो जाएगा। आपको बताना है वी की वैल्यू क्या होगी। हमने ऐसे क्वेश्चन सर्कुलर में बहुत किए, क्या करते थे, एनर्जी कंजर्वेशन। अगर यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की वेलोसिटी क्या है, यूज इक्वल टू जीरो, लिख लो यूज इक्वल टू जीरो, और मुझे यहाँ की वेलोसिटी बताना है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, तो याद आ रहा होगा हर जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, तो लगाएं यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। बोलो यहां पर अगर ये ग्राउंड है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है, एम जी H, काइनेटिक क्या होगी यहां पर, जीरो, क्योंकि बॉल यहां पर क्या है, एट रेस्ट। फिर यहां पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक। ग्राउंड पे आती है पोटेंशियल जीरो, तो यहां पर सिर्फ पोटेंशियल होगी MgH, काइनेटिक जीरो, यहां पर होगी काइनेटिक पोटेंशियल जीरो, और अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी या फेवर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एंड सम ऑफ
पोटेंशियल एंड काइनेटिक का सम सेम, एम सी एम कैंसल, वी की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू पुट करेंगे आंसर. कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है कि जब भी पेंडुलम नीचे आएगा और वेलोसिटी निकालनी होगी, वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन. क्लियर है यहां तक? इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, नाइन्थ. नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ. आप में से कितने लोग हैं जिनको रोटेशनल मोशन अभी एक्स्ट्रा में करना है, रिकॉर्डिंग्स में करना है? मैंने वहाँ डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है, सिस्टम के बिल्कुल जहाँ बाहर से प्रिंट निकालते हैं, डेस्कटॉप पे बना हुआ है रोटेशनल मोशन का फोल्डर. तो जब भी आप प्लीज़ लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग सुने, सारी शीट्स मत लें, सिर्फ जो शीट्स मैंने उसमें रखी हुई हैं उसके प्रिंट आउट ले जाएँ, बस जितना उसमें गिवन है वही कर लें. 50% रिड्यूस हो गया काम आपका. मेन मेन काम मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया, बाकी मैंने छोड़ दिया. ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रोटेशनल में आपको क्या करना है. ठीक है, सो नाइन्थ क्वेश्चन की प्रॉब्लम पता है क्या है? इस क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम है कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहां से यहां आ रहा है, वेलोसिटी वी निकाल लो. अरे क्वेश्चन तो सेम है, हाइट क्या होगी इसमें? 1.5. सेम है, पर एक प्रॉब्लम है. वो कह रहे हैं नीचे आते 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 क्या हुआ, 5% ऑफ एनर्जी डिसिपेट हो गई, खराब हो गई. नॉर्मली ऐसा होता नहीं. नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहां पर जो भी टोटल एनर्जी और यहां पर टोटल एनर्जी जो भी है उनका सम क्या था? सेम. पर अब होगा नहीं. वो कह रहे हैं यहां पर जो भी एनर्जी है नीचे आते आते इसका 5% खराब हो जाएगा. अब बताओ वेलोसिटी वी क्या होगी? अगर खराब ना होता फिर तो यही क्वेश्चन लगा के मैं अपना आंसर निकाल देता, पर अगर खराब हो गया कोई बात नहीं. तो बताओ जब ये पेंडुलम यहां से चला तो इनिशियल वेलोसिटी यू क्या थी? जीरो. वी मुझे निकालना है. यहां पर पोटेंशियल क्या थी? एम जी एच, एच का मतलब 1.5. काइनेटिक क्या थी? जीरो. अब यहां आते 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 पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाई. कितनी कितनी खराब हो गई? आते आते MgH थी कितनी खराब हुई? 5%. तो बची कितनी? 90. तो जो भी एनर्जी वहां पर थी MgH उसका 95% जो भी होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में. स्टेप समझ में आ रहा है? अगर कोई एनर्जी लॉस ना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो यही क्वेश्चन थी. पर लॉस हो गया तो जो भी यहां पर एनर्जी थी उसका 95% ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो पाया. एम सी एम कैंसल, V की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड और हाइट क्या पुट करेंगे? 1.5. आंसर. तो फर्क समझ में आ रहा है? अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है फिर तो ऐसे इक्वेट कर देंगे, एनर्जी लॉस है तो फिर परसेंटेज लगा के करेंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असाइनमेंट का 10th, अबाउट 4×10^4 kg ऑफ मैटर पर सेकेंड. तो ये मुझे क्या गिवन है? मास पर सेकेंड, यानी कि 4×10^10 kg मास पर सेकेंड गिवन है. इस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज़ सन. तो कह रहा है एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होता है? एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर. तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय इक्वेशन एम सी स्क्वायर. तो अब प्रॉब्लम क्या है? यहां मास नहीं गिवन और हमें पावर निकालनी है. काम करते हैं, दोनों को टाइम से क्या कर लेते हैं? डिवाइड. दोनों को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या आ गई? पावर. मास पर यूनिट टाइम क्वेश्चन में गिवन है 4×10^10 × 3×10^8 का होल, इतने वॉट्स आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है यहां तक? तो टाइम से डिवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली मास पर यूनिट टाइम ही गिवन है मुझे, पावर कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक. इस 10th के बाद जो 11th क्वेश्चन है, डाउट है? नाइन क्यों होगा? ये कह रहा है यहां कंफ्यूजन है पिछले क्वेश्चन में. वो कह रहा है कि यहां पर वेलोसिटी का 95% करो. नहीं, देखो
आप ये देखो कि इनिशियल एनर्जी क्या थी, मान लो 100 जूल थी। अगर एनर्जी लॉस ना होता तो यहाँ पर भी 100 ही होता, पर वो कह रहा है यहाँ पर तो 100 थी, आते आते 5% खराब हो गई, तो यहाँ कितनी कन्वर्ट हुई, 95। तो 95 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी तो वही बात होगी कि ये यहाँ से 100 रुपये थे, 5 रुपये जो है लॉस हो गया, तो बचे कितने, 95। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा यहाँ पर भी 95% करोगे तो बचा हुआ यहाँ मिल गया नीचे, ठीक है, रिमेनिंग एनर्जी नीचे आ गई ना। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछली शीट में, जिसमें वो कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। अगर मोमेंटम डबल करेंगे तो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी। आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या करवाया था, पी स्क्वायर बाय 2m। अगर मोमेंटम डबल होगा तो फिर, अगर मोमेंटम पी है तो एनर्जी e1 है, डबल करेंगे तो 2p है तो एनर्जी e2 है। तो इंक्रीज इन एनर्जी e2 माइनस e1 अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। यहाँ e2 e1 और e1 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर 300% आएगा। किया था हमने ऐसा क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर फोर्स वेक्टर गिवन है, एस वेक्टर गिवन है, और वर्क डन निकालने को कहे तो क्या करेंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट से आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप प्लीज 19th शीट का आखिरी क्वेश्चन 18th को एक बार रीड करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18th एक बार रीड करें, देखें क्या है ये इस क्वेश्चन में।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं हो सकता था क्योंकि इसमें दो नए कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। और इसमें है क्या, जरा ध्यान से समझते हैं, ध्यान आगे। सबसे पहली चीज इसमें ये गिवन है कि ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट। एक बीट में 75 ml ऑफ ब्लड ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज करता है, निकालता है, पंप करता है। और प्रेशर कितना है, 0.1 मीटर ऑफ मरकरी। अब ये प्रेशर ऐसा तो नहीं सीखा हमने, 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, ये कैसा प्रेशर है, इसको कैसे रीड करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा कि 0.1 मीटर ऑफ मरकरी को कैसे रीड किया जाता है। ये टर्म्स हैं प्रेशर की, हम प्रेशर चैप्टर करेंगे एक नवंबर के अंदर, उसमें बताया जाता है कि प्रेशर को लिखने का ये तरीका होता है। फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक मिनट में 80 टाइम्स बीट करता है हार्ट, तो पावर ऑफ द हार्ट निकाल लिए कितनी होगी, और डेंसिटी इसके इक्वल है मरकरी की। अब सबसे पहले काम करते हैं, वॉल्यूम जो वो पंप करेगा एक बीट में वो 75 ml है, 75 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब है। प्रेशर का फॉर्मूला हम एक चैप्टर करेंगे जिस चैप्टर का नाम ही प्रेशर है, और वो कम से कम 10 दिन चलेगा। उस 10 दिनों में आपको प्रेशर की पूरी नॉलेज जो है आप देखोगे कि प्रेशर कैसे काम करते हैं लिक्विड और गैसेस में। लिक्विड और गैसेस में प्रेशर का फॉर्मूला लिखा जाता है एच रो जी। आर्किमिडीज ने प्रेशर पे काम किया था और साथ में टॉर्सली ने किया था, ये दो साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया और प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं वो भी निकाला। और इसके बेस पे बीपी की मशीन आप वो डॉक्टर्स के हाथ में देखते हो, मरकरी वो पंप करते हैं तो मरकरी ऊपर 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 फिर नीचे गिरती रहती है, फिर वो हाइट कहीं आगे रुक जाती है, वो जो हाइट है वो एच है। तो मशीन क्या करती है, एच जो हाइट मेजर, किसी भी बॉडी का एच डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे रुकती हैं, तो वो हाइट मेजर कर ली जाती है। हाइट को डेंसिटी ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी ऊपर नीचे जा रही है, और इनटू जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बॉडी का प्रेशर आ जाता है। तो हम सिर्फ क्या मेजर करते हैं, मरकरी की उस ट्यूब में हाइट कितनी है, जिसके बेस पे प्रेशर की वैल्यू आती है। पर ये फॉर्मूला कहां से आता है ये आज मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि तो बहुत लंबा काम है, पूरा चैप्टर के अंदर डिस्कस होगा ये प्रेशर निकलता कैसे है। अभी आपको याद करना पड़ेगा ये एज इट इज, कोई ये ना पूछे कहां से आया, बस ये फॉर्मूला होता है अगर एच की फॉर्म में आपको प्रेशर निकालना हो। काम कैसे करता है फॉर्मूला वो सिखाता हूं। जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल में गिवन है 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, यानी कि ट्यूब के अंदर क्या मूव कर रही है, मरकरी, और कितने मीटर पे आके रुक गई, 0.1 मीटर, तो आप एच की जगह क्या पुट करोगे, 0.1। अब डेंसिटी किसकी यूज करोगे, मरकरी इंटू जी, यहां से प्रेशर आएगा एच रो जी के फॉर्मूले से। जैसे किसी और न्यूमेरिकल में गिवन होगा प्रेशर इज 0.1 मीटर ऑफ वाटर, यानी कि पानी के साथ मेजर कर रहे हैं, तो 0.1 इंटू डेंसिटी किसकी यूज हो जाएगी, अब वाटर की इंटू जी। तो आज के बाद किसी भी लिक्विड का प्रेशर ऐसे गिवन होना 1 मीटर ऑफ वाटर, तो एच रो जी के फॉर्मूले में प्रेशर आ जाएगा। अगर गिवन हो 2 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो 2 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, ऐसे प्रेशर निकलता है। पर ये कैसे निकलता है तो लंबी कहानी है, इसको यूज करना आ गया। आज के न्यूमेरिकल के लिए कम से कम ये तो पता लग गया कि अगर 0.1 मीटर इंटू डेंसिटी इंटू जी है, तो प्रेशर तो जो हार्ट लगा रहा है वो हमें पता लग गया। पी फॉर यहां पर प्रेशर है, पावर नहीं है, लिख लेना, हेयर पी इज प्रेशर, पढ़ते पढ़ते कहीं पावर में कंफ्यूजन ही ना हो जाए। पी फॉर प्रेशर है एच रो जी, लिख लेना ठीक। तो देखो तो इसके अंदर प्रेशर इज इक्वल टू 0.1 मीटर इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी, 0.1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है इंटू जी, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई आपके पास, ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। एक बीट में हार्ट ने वर्क डन कितना किया। अब ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर नया यूज हो रहा है, जो हमने नहीं किया, और जो केमिस्ट्री और जो आपके जो फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें बताया जाएगा। वो क्या, सपोज करो इधर देखो, सपोज करो आपके पास एक सिलेंडर में गैस है, ठीक, सिलेंडर में गैस है, ये गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये एक्सपैंड हो गई और पिस्टन थोड़ा ऊपर मूव कर गया, ठीक है, एक पिस्टन है, रादर इस पिस्टन को ऐसे ड्रॉ करते हैं
ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये रहा, ये पिस्टन है ऐसे, ठीक, और ये सिलेंडर है। तो ये पिस्टन यहां पे था, ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ गया। क्यों ऊपर आया? क्योंकि गैस ने क्या लगाया नीचे से, प्रेशर, फोर्स लगाई या प्रेशर लगाया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मान लो कितना डिस्प्लेस हो गया बाय dx, हल्का सा dx अमाउंट से डिस्प्लेस हो गया जब गैस ने नीचे से क्या लगाया, प्रेशर, ठीक। और मान लो कितना एरिया, ये डिस्क देख रहे हो पिस्टन की, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a, a। तो गैस ने फोर्स कितनी लगाई, जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो कितनी फोर्स लगाई पिस्टन के ऊपर, इस पूरे पिस्टन के ऊपर, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स लग गई। तो कितना वर्क डन किया, अब स्मॉल वर्क डन करेगा ये गैस, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। अगर मैं ए एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो मालूम है क्या आएगा, इसका वॉल्यूम। देखो सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया बेस का पाई आर स्क्वायर को एच से मल्टीप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर इनटू एच इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यही रूल है। तो यानी कि आप एरिया को dx से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा, वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल वर्क डन क्या आ गया, p इनटू dv, टोटल वर्क डन के लिए दोनों साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आपके पास क्या जाएगा, प्रेशर इनटू चेंज इन v, नहीं होता बेसिकली, चेंज इन वॉल्यूम होता है ये बेसिकली। तो मतलब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं, प्रेशर को चेंज इन वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी गैस का या लिक्विड का वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। हालांकि ये आपको केमिस्ट्री के टीचर सिखाएंगे, और फिजिक्स में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स दिसंबर में सिखाऊंगा, अभी तो लंबा काम है, तो मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। लेकिन एक हिंट देना था मुझे कि कैसे ये टर्म्स बनती हैं, रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए, इतना रिक्वायर्ड है एक बीट के लिए वर्क डन कितना करेगा हार्ट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर हमने निकाल लिया और वॉल्यूम हमें पता है कितना बाहर निकालेगा, 75 ml, मल्टीप्लाई करके एक बीट का वर्क डन आ गया। एक मिनट में कितने बीट, कितनी बार बीट करता है वो, 80 times। तो फिर 80 बीट्स का टोटल वर्क डन के लिए जो भी एक बीट का वर्क डन आया उसको 80 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई, टोटल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन कितनी देर में हुआ, एक मिनट में 60 सेकंड में, तो टोटल वर्क डन को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, पी फॉर पावर लिख लेना, यहां पे प्रेशर नहीं अभी, पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, तो पावर की वैल्यू आएगी 1.33 वाट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया, मतलब पहले हमने प्रेशर निकाला बाय एच रो जी, प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आया, 80 से मल्टीप्लाई किया टोटल वर्क डन आया, टोटल वर्क डन को टाइम से डिवाइड किया तो पावर की वैल्यू आ गई। 3-4 स्टेप्स हैं इसमें, बट एक नया क्वेश्चन है, आप ये ट्राई नहीं कर सकते थे जब तक आपको ये दो चीजों के बारे में आइडिया ना हो। बट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक। एक असाइनमेंट है, देखो आपकी ये इकट्ठी मिली हुई है आपको, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हैंड रिटन शीट नंबर 49 का प्रिंट आउट लें, आप अपनी शीट पे 49 नंबरिंग करें प्लीज, 49 नंबरिंग करते जाएं, क्योंकि फाइल में जब ये लगेगी शीट्स, मिस प्रिंट है एक पेज ना, वो जाते हुए प्रिंट आउट लेके जाना एक पेज का, ठीक, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, 5-7 मिनट लग जाएंगे इसमें, अभी यहीं से देख लो जाते हुए लेके जाना, कोई बात नहीं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है ऑलरेडी हमने किया हुआ है, पहले लेक्चर में किया था कि अगर वो एक बुलेट आता है इतनी स्पीड से, वो इसके अंदर रुक जाता है तो वुडन प्लैंक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करता है, तो वर्क डन जो करता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 4 सेंटीमीटर का प्लैंक था, तो अगर प्लैंक 9 सेंटीमीटर का है तो वेलोसिटी निकालो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली शीट में हुआ हुआ है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हो चुका हमारा, यहां से शुरू करेंगे। अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी ऑफ,
तो कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू वी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 है, वेयर ए कॉन्स्टेंट है जिसका नंबर 5 है, ये इसकी वैल्यू 5 है. फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 2. सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो गई, 2 में से 0 गया तो 2 मीटर काट के लिखो. फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट तो दे ही थी उसने 2 मीटर, तो फाइंड वर्क डन लिखो. ठीक, कितने लोगों को इस क्वेश्चन को देखते हुए समझ में आता है कि वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है? हाँ, और किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे. एक्स चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा. ठीक, और मुझे वर्क डन निकालना है. मुझे वर्क डन कब कब निकालना है? जब एक्स की वैल्यू 0 है, जब एक्स की वैल्यू 2 है, उसके बीच में. क्यों ना ऐसा करें, एक्स को 0 पुट करते हैं यहां पे और वेलोसिटी निकाल लेते हैं जब एक्स 0 है. एक्स को पुट करते हैं 2 यहां पे तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं जब डिस्प्लेसमेंट 2 है. तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? कि जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, वही क्या माना जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो यही करते हैं. तो सबसे पहले वर्क डन इज व्हाट? इंक्रीज या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसमें इंक्रीज हो रही है तो मैंने वर्ड इंक्रीज लिख दिया, वैसे चेंज वर्ड चलता है. तो जब, तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, एक ही जगह 5 पुट कर लेना. एक्स की जगह जब 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी फाइनल आ जाएगी, एक्स की जगह 2. जब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी इनिशियल आ जाएगी. तो वर्क डन क्या होगा? हाफ एम फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. कोई डाउट इसमें? तो यहां पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी में क्या पुट करेंगे? 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2 और इनिशियल में क्या पुट करेंगे? 0. तो यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 का क्यूब बच गया. सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्या एक आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को करना है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हर टाइप एक नई क्वेश्चन टेक्निक यूज कर रही है. फिलहाल आपको ऐसे अपने कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाने हैं कि किसमें क्या लगेगा, किसमें क्या लगेगा. फिर नेक्स्ट टाइम से मैं आपको होमवर्क देना कुछ कुछ स्टार्ट करूंगा, ताकि आप ये सारी चीजें रिवाइज करके जब लगाएंगे फिर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा. क्योंकि जब 4 क्वेश्चन होते हैं तो बंदे को लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, नहीं तो फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे, पता ही लगा कि क्या हो रहा है. ठीक, तो अभी अगर सीधा दूंगा असाइनमेंट तो आपने देखा ही होगा रेशियो बहुत कम है, सॉल्व नहीं हो पाते चलते चलते क्वेश्चन. ठीक, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है पेंडुलम जैसा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था. कैसे? सपोज ये आपके पास एक पेंडुलम है, 10 मीटर उसकी लेंथ है, पेंडुलम 30 डिग्री एंगल पर है. मैंने इसको यहां से रिलीज कर दिया, ये पेंडुलम नीचे 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 आया लोएस्ट पॉइंट पे. लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v. आपको v निकालना है, वही सेम क्वेश्चन ने भी किया था. तो इसमें क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन. यहां पर इसकी स्पीड क्या थी? 0. तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर विल रिमेन सेम. ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये 30 डिग्री दे रहा है, ये 10 दे रहा है, आपको एच नहीं दे रहा. आप बना लें यहां पर डॉट 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 करके ग्राउंड. दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, ये रहा, ये बेस ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड लेवल. ठीक, तब देखें आप ये बताएं कि ये एच, आपको ये एच निकाल लें, ग्राउंड से एच निकाल लें. वैसे सर्कुलर मोशन में कई बार यूज हुआ और मैंने कहा था कि ये सीधा याद भी हो जाता है, एल माइनस एल कॉस थीटा. नहीं तो ज्योमेट्री लगाएं, ये 10 मीटर है, ये 30 है, तो ये क्या आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में? 10 cos 30. तो अगर ये 10 cos 30 है, टोटल 10 है, तो 10 में से 10 cos 30 गया, तो 10 माइनस 10 cos 30. तो जबकि हमने काफी बार ये क्वेश्चन किया और डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है 10 माइनस 10 cos 30. कोई डाउट इसमें? क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? ज्योमेट्री समझ में आ रही है आपको? और एक चीज और नोट करें कि सर्कुलर मोशन में हमने पहली बार किया था, आपको लगा था पता नहीं क्या कुछ हो गया, सेकेंड टाइम किया ठीक हो गया,
थर्ड टाइम किया है तो रोज का ही काम है, अब किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो जो करना है, अब तो हो ही जाएगा। फिर ऐसी ये चीजें आसान कैसी होती है, बार बार रोज 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 दिखाता जाऊंगा ये पेंडुलम तो फिर एक दिन तो आसान हो ही जाए। अब हो गया यार, इसमें करता ही कुछ नहीं है, पूरे साल कुछ किया ही नहीं उन्होंने, तो पढ़ाया ही कुछ नहीं है, वो तो एल माइनस एल कॉस थीटा ही करते रहे यार, हम ऐसे उलझे रहे। तो सच में ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से कोर्स को देखें, बहुत बार चीज को रिपीट करेंगे, चीजें बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सेम, अब बोलो यहाँ पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच, काइनेटिक क्या होगी, जीरो, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करके जी एच की जगह 10 माइनस 10 cos 30, और यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से करेक्शन कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा वी का स्क्वायर, दिस इज नॉट वी, दिस इज वी का स्क्वायर, और अगले स्टेप में भी वी का स्क्वायर, दोनों में वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर। तो यहां से अपने आप निकाल लेना, वी कैन बी कैलकुलेटेड, आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा इसमें। स्टेप समझ में आएगी इसमें कैसे करने हैं। ठीक, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि कभी कभी छोटी क्लास में करवा भी दिया जाता है 9th 10th में, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा। देखो क्या इसमें यह बताया हुआ है कि लेट अस सपोज आपके पास एक बुलेट है, बुलेट है, बुलेट का मास M1 है और वेलोसिटी U1 है। ठीक, गोली आ रही है, बुलेट आ रही है, सामने एक बॉक्स पड़ा था, वो बुलेट इस बॉक्स के अंदर चला जाता है पर बाहर निकल पाता, फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉक्स और बुलेट दोनों इकट्ठे ही मूव करना शुरू कर देते हैं विद सम कॉमन वेलोसिटी v। तो मास बॉक्स का क्या हो गया, m1 plus m2। तो इनिशियली सिचुएशन कैसी थी, m1 वाज मूविंग विद u1 एंड m2 वाज लाइंग एट रेस्ट। फाइनल क्या हुआ, m1 plus m2 इज मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ v। कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर आपको निकालना है कॉमन वेलोसिटी क्या होगी जब ये बुलेट इसमें एम्बेड हो जाएगा, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर के बाद, कोलिजन्स, कोलिजन्स हम करेंगे उन टॉपिक को। तो ये एक टाइप ऑफ कोलिजन है, टक्कर होना है, बुलेट और ब्लॉक की टक्कर हो रही है, और किसी भी टक्कर जब होती है उसमें क्या लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। हमने किया था वन कोलिजन इन 1D, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आइसोलेटेड सिस्टम का, और मैं लिस्ट बना के दी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कहाँ कहाँ लगता है। तो ये भी एक कंजर्वेशन मोमेंटम का रोल है, क्योंकि इसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं रहा, तो टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम, टक्कर के बाद फाइनल मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो इनिशियल मोमेंटम में सिर्फ बुलेट मूव कर रहा है, ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा, तो बुलेट का मोमेंटम m1 u1, ब्लॉक का जीरो। टक्कर के बाद क्या हुआ, दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी, तो इकट्ठे का मतलब मास m1 प्लस m2 मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी v, तो कॉमन वेलोसिटी v कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बुलेट ने, बुलेट एम्बेड हो गया ब्लॉक के अंदर और इकट्ठे चल पड़े, तो कॉमन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। अब क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन ये है, ये आप ट्राई करोगे, बुलेट आया 1 kg विद वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, बुलेट ने ये हवा में लटकता हुआ ब्लॉक है 5 kg के ब्लॉक के अंदर आके रुक गया और दोनों इकट्ठे चल पड़े, इकट्ठे का मतलब 5 + 1 kg, 6 kg का ब्लॉक आगे चल पड़ा। आपको बताना है कि हाइट कितनी अटेन करेंगे दोनों, ऐसे ऐसे जाएगा, एच बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालो, बुलेट और ब्लॉक हिट करेंगे, दे विल मूव इन कॉमन वेलोसिटी, फिर एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन ट्राई करो, खुद ट्राई करो एक बार, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सोचो।
देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया होगा कि बुलेट जब ब्लॉक में एंटर करेगा और उस इकट्ठे चलेंगे, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब कि बुलेट का मोमेंटम कोलिजन से पहले m1 into u1, ब्लॉक का कितना जीरो, फिर टक्कर होने के बाद m1 plus m2 moving with a common velocity v common, तो v common की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक? कॉमन वेलोसिटी का मेथड क्लियर है? तो इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कैसे? आपको इसमें बुलेट का मास पता है, वेलोसिटी पता है, और टोटल मास हो जाएगा 6, तो दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ 5/3। लेकिन मास कितना हो जाएगा, 5 की जगह 6 kg, इकट्ठे चल पड़े। मान लो कितनी हाइट अटेन कर लेते हैं, h, ठीक। तो ये h है। अब सबको पता है कि अगर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और अगर ये थीटा, तो ये कितना 1 - 1 cos थीटा। नहीं तो जरूरत ही नहीं है, आप इसको h ही रख लो, बस h, जरूरत नहीं, आप इसको h रख लो। तो मैंने उल्टा लंबा कर दिया। आप इसमें ऐसे करो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है, mg h, काइनेटिक क्या हो जाएगी यहां पर, जीरो। यहां पर पोटेंशियल कितनी, जीरो। काइनेटिक बोलो कितनी, 1/2 × 6 × 5/3 का होल, राइट। आपको मास m पता है यहां पर 6 kg, आपको g पता है, तो यहां से सीधा सॉल्व करके h कैन बी कैलकुलेट, वो कैलकुलेशन लंबी है, मत करो, h आ जाएगा सीधा। हाँ अब मैं बता, हाँ बिल्कुल ठीक, h आ गया, तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही h आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया एंगल cos थीटा निकालो, फिर h को हम क्या लिखेंगे, 1 - 1 cos थीटा। h हमने निकाल लिया, यहां से cos थीटा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? उल्टा मैंने कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही लंबी कर दी, जरूरत नहीं है, बस ये 2-3 स्टेप ही सफिशिएंट है। बिल्कुल क्लियर है, ठीक? कोई डाउट इसमें? h तो उल्टा आसान है, h तो आई जाएगा, cos थीटा भी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार यूज हुआ, पहली बार ये वेक्टर में आया, दूसरी बार ये फोर्स में आया, तीसरी बार ये वर्क पार्ट में भी आ गया। कैसे? अगर एक बॉडी को फोर्स इतनी लग रही है, और बॉडी ए कोऑर्डिनेट से बी कोऑर्डिनेट में चला गया, तो ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए का पोजीशन वेक्टर निकालो, आरए वेक्टर। आरए वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस 2j - 3k। आरबी वेक्टर क्या होगा, 2i - 0j - 5k। आरए वेक्टर, आरबी वेक्टर। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, ट्राइंगल ड्रॉ करो, तो rb वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ra वेक्टर प्लस s वेक्टर। तो rb वेक्टर इज ra वेक्टर प्लस s वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से s वेक्टर इज rb वेक्टर माइनस ra वेक्टर, ठीक। तो rb वेक्टर पुट करो, ra वेक्टर पुट करो, माइनस करो, क्या आएगा, s वेक्टर। और फिर वर्क डन क्या होगा, f वेक्टर डॉट s, डॉट प्रोडक्ट से आंसर आएगा। पर ये s वेक्टर कैसे निकलेगा, क्लियर है? हमने काफी बार पहले भी इस कांसेप्ट को यूज किया हुआ है। ये क्वेश्चन देखना, ग्रेडियंट का मतलब एंगल, कितने एंगल ऊपर, थीटा इज 5 डिग्री, इसमें ग्रेडियंट 5 डिग्री का मतलब थीटा इज 5 डिग्री। नहीं, एंगल को भी बोलते हैं, कितने एंगल ऊपर उठ गया,
h डिस्टेंस ऊपर उड़ गया, उसको एंगल में टैन थीटा ग्रेडियंट बोल देते हैं। रेशियो लो डी एक्स बाई डी जो भी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लो, तो निकलेगी तो वो एंगल ही निकलेगा टेन थीटा। देखो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखो, 1 लाख केजी का इंजन है इज मूविंग अप अ स्लोप ऑफ ग्रेडियंट 5 डिग्री। वैसे ऐसे एंगल आते नहीं है 5 डिग्री, पर क्योंकि एनसीआरटी की प्रॉब्लम है उसमें 5 डिग्री है तो मैंने भी 5 ले लिया, अदरवाइज 30 डिग्री 45 डिग्री स्टैंडर्ड आता है। तो चलो थीटा एंगल पर वो ऊपर चढ़ता जा रहा है और स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आर, तो उसकी स्पीड जाते हुए कांस्टेंट है, तो म्यू आपको गिवन है, इसका मतलब वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन हैज टू बी कंसिडर्ड, तो फ्रिक्शन लेनी है तभी वो म्यू दे रहा है। आगे एफिशिएंसी 4% है सिर्फ, तो फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, मतलब ये जो इंजन है ये कोयले से चलने वाला इंजन है, कोयला डालते जाओ हीट जनरेट करते जाओ वो वर्क डन करता जाएगा, बहुत पुअर इंजन है, 4% ही एफिशिएंट है, कोयले की जो एनर्जी है वो 96% खराब करता है और बाकी सिर्फ 4% का ही काम करता है। ठीक, बताओ कितना कोल वो बर्न कर देगा ऐसे चलते चलते 1 घंटे के अंदर, अगर 1 kg ऑफ कोल गिव 50,000 जूल ऑफ हीट ये गिवन है, तो उसको ऊपर चढ़ाएं और देखें वो कितना कोल बर्न करेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोचनी आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है, पहले देखो इसमें करना कैसे है। इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम मिनिमम फोर्स क्या चाहिए, mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नो एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो कम से कम फोर्स mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, तो ये कम से कम मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, mg कॉमन आ गया, m पता है, g पता है, sin 5 डिग्री cos 5 डिग्री मैंने कैलकुलेटर से पुट की है पर ऐसे आएंगे नहीं आपको, लेट अस सपोज फोर्स आ गई, तो मिनिमम फोर्स आ गई, कितने वेलोसिटी से वो चढ़ता जा रहा है कांस्टेंट 100 मीटर पर आर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 1/36, तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, कितनी पावर है उस इंजन के पास, फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी कैन अप्लाई एफ इन टू वी, तो एफ इन टू वी से ये इतने वॉट्स की क्या आ गई, पावर आ गई। अब वो काम क्या करता है, ऊपर चढ़ता है,
तो कितना वर्क डन किया उसने एक घंटे में। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क डन क्या हुआ, पावर इंटू टाइम। पावर पता है टाइम एक घंटे का 3600, इतना जूल उसने काम किया। ये काम किसने किया, इंजन ने। तो दिस इज दी वर्क डन बाय इंजन, और जो भी काम इंजन करेगा वो इनपुट नहीं होगा, वो तो उसका आउटपुट होगा। इतना तो काम कर दिया उसने, तो ये क्या, कौन सा वर्क डन है, इसका आउटपुट वर्क डन आ गया। क्लियर हो गया। अब आउटपुट वर्क डन आ गया, अब एफिशिएंसी क्या होती है, आज किया हमने, एफिशिएंसी इज आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। कोयला बर्न करके ही वर्क डन आया, तो एफिशिएंसी 4 है, 100 यहां ले गए या 100 को यहां ले जाओ, 4/100। आउटपुट वर्क डन हमें पता है, तो यहां से इनपुट एनर्जी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनपुट इतनी एनर्जी आ गई। ये इनपुट एनर्जी कैसे आई थी, क्या बर्न करके, कोल बर्न करके इनपुट एनर्जी आ गई। अब इतनी एनर्जी का, इतनी एनर्जी रिलीज हुई कोल बर्न करके, तो 50,000 जूल अगर एनर्जी रिलीज होती है, तो कोल कितना बर्न करते हैं, 1 kg, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, 1 joule के लिए 1/50,000, और हमारे केस में कोल ने कितनी एनर्जी रिलीज की, इतनी इनपुट एनर्जी इतनी ली इस इंजन ने, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोल कितना लगा, दिस इंटू दिस, इतने केजी का कोल उसने यूज कर लिया। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाली, मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, पावर। फिर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इंजन का वर्क डन। ये वर्क डन क्या माना गया, आउटपुट वर्क डन। आउटपुट वर्क डन को यहां पुट करके, एफिशिएंसी पुट करके क्या आ गई, इनपुट एनर्जी। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोल कितना यूज हुआ, यूनिटरी मेथड से कोल बर्न की वैल्यू आ गई। मुश्किल क्वेश्चन लगता है लोगों को ये, बट अगर ध्यान से देखो, घर जाकर रिवाइज करोगे, तो उसमें 2-3 स्टेप्स हैं, ज्यादा नहीं है। कैलकुलेशन वाइज ज्यादा है, पर अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज 2-3 चीज है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या गिवन है, अ कॉर्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली। एक स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग ली, जैसे ये एक स्ट्रिंग है और ये मास mg है। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे होगी, अपवर्ड होगी, टेंशन तो हमेशा ही अपवर्ड होगी इसमें, ठीक। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g डिवाइडेड बाय 4, नीचे लेके जा रहे हैं। आपने वर्क डन कितना किया ये बताओ, जब आपको, आप उसको कितना डिस्टेंस ले गए, d डिस्टेंस नीचे ले गए। इस क्वेश्चन में F का मतलब टेंशन है, प्लीज, मतलब कॉर्ड ने जो फोर्स लगाई उसको टेंशन बोल सकते हैं। दिस इज वर्क डन बाय टेंशन, तो T लिख लो या F लिख लो, एक ही बात है, प्लीज। तो टेंशन कहां पर रहेगी, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट इसमें कहां हो रही है, नीचे। तो टेंशन में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 180, तो इसलिए वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होता तो टेंशन में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या हो जाता, जीरो। तो टेंशन यानी कि उस केस में हेल्प कर रही थी उसको ऊपर लेके जाने में, इसमें वो क्या कर रही है, इसे अपोज कर रही है, ठीक। अब फोर्स क्या होगी, फोर्स विल बी इक्वल टू, वैसे तो अगर ये स्टेशनरी होता, फोर्स mg होता, टेंशन mg होती, पर जब ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट के केस याद है, तो फोर्स क्या होगी, m into g माइनस है। जब कोई चीज नीचे एक्सेलरेट कर रही होती है तो m into g माइनस है, और a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, g बाय, तो ये वर्क डन की वैल्यू आएगी। तो इसमें जी नहीं पुट करना, इसमें जी माइनस ए पुट करना है। और अगर यही केस ऊपर आ रहा होता तो एम इंटू जी प्लस ए पुट करना था। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा और किसके इक्वल होगा। इलेवेंथ क्वेश्चन करेंगे पहले, ये वाला क्वेश्चन देखना। एक पाइप है, एक पाइप में से लिक्विड बाहर आ रहा है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लिक्विड बाहर आ रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि फोर्स के अंदर भी ऐसी कुछ सिचुएशन देखी हुई है, हाँ देखी हुई है। तो उसमें मैंने लिख के भी दिया था कि ऐसे केस में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड कैसे निकलते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू वेलोसिटी क्या देगा आपको, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, सीधा रिजल्ट है। फिर मुझे एक बात बताओ आपको निकालना क्या है, वो कह रहा है इस केस में डेंसिटी लिक्विड की रो है, आपको निकालना रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट टाइम लिख लूं यहां पे, तो मुझे इसमें क्या चाहिए होगा, मास पर यूनिट टाइम। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड एरिया इनटू वेलोसिटी, मास फ्लोइंग पर सेकेंड इज वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू डेंसिटी, तो ए इनटू वी इनटू रो से। तो मेरे पास मास फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया, इसको उठा के सीधा यहां पुट कर दें तो हाफ इनटू हाफ इनटू ए वी रो इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर आंसर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन मार्क करनी है, दी ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जो स्टार्ट हुए हैं वो सब्जेक्टिव थी, पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको करना है। ठीक, तो यहां से शुरू करना है, मास फ्लोइंग पर सेकेंड इज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको उठा के ऊपर पुट करके आंसर। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक, सब लोग बहुत खुश खुशी होती है, लास्ट लास्ट होता है। ठीक, देखो क्वेश्चन इज, सपोज आपके पास एक टेबल है, ध्यान आ गया इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक चेन पड़ी हुई है और उसका कुछ पोर्शन नीचे हैंग कर रहा है, कितना पोर्शन लेट अस सपोज हैंग कर रहा है, एल बाई थ्री, नया क्वेश्चन बना रहा हूं उसको बाद में करेंगे, एल बाई थ्री, चेन का मास एम है, चेन की लेंथ एल है। क्वेश्चन है कि आप ये बताएं कि इस चेन को उठा के, लटकी हुई चेन को उठा के टेबल पे रखना है बस, वर्क डन क्या होगा। ठीक, कुछ नहीं है, वर्क डन क्या होगा, और मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ ऑफ दी चेन, जो मास है चेन के हर एलिमेंट के ऊपर मास एक जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं कि मास यहीं पर है, पूरे इसमें मास ही मास है, टोटल मास एम है। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस चेन के अलग अलग मासेज लें, डीएम 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 मासेज लें, लेते जाएं तो क्या होगा, इस मास की हाइट यहां से कुछ और है, इसकी हाइट यहां से कम हो गई, इसकी हाइट कम हो गई, इसकी और कम हो गई, इसकी और कम होगी और कम होगी। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन होता ना कि चेन का कोई मास नहीं है, बस एक ये स्मॉल एम लटका हुआ है, बस इस बॉब का मास है, और मुझे कोई कहता है इस बॉब को यहां रखना है, मैं वर्क डन बताऊं क्या बोलता, एमजीएच, पॉइंट मास है, ऊपर रख दिया एमजीएच। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मास यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और इसका डिस्टेंस कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और, तो इसको उठा के रखने का वर्क डन ज्यादा, इसको कम, 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 सारे वर्क डन निकालो पहले जितने भी है हर लिंक का, फिर टोटल वर्क इन्हें क्या करो, मिलाओ, मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करो। ठीक, तो ये जितना आसान क्वेश्चन लगता था ये उतना आसान है नहीं, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले तो प्रॉब्लम समझ में आई इस क्वेश्चन की, क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने का स्टाइल देखो, इंटीग्रेशन तो एक तरीका है ही है, और मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में को बता भी दूंगा हाउ टू डू इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पर वो लंबा तरीका है, एक चैप्टर करेंगे अभी इस चैप्टर के बाद जो कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास पता है क्यों करेंगे, ताकि ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज होनी हो उसको अवॉइड करके एक सेकेंड में आंसर आ जाए, इंटीग्रेशन से बचने का तरीका जिसको बोलते हैं कि बस फटाफट आंसर आए, पेन बिना हाथ लगाए और टिकमक हो जाए, वो काम सेंटर ऑफ मास कर देगा। तो हम आज इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, आज हम सेंटर ऑफ मास से करेंगे।
सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का या किसी भी बॉडी का वो इमेजिनरी पॉइंट है। मैंने कहा इमेजिनरी पॉइंट है, और मैंने कहा इमेजिनरी है, असली में कुछ नहीं है। जहां पर ये मानना जाता है, हम मानते हैं कि बॉडी का पूरा मास वहीं पर पड़ा होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में मास हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर हर जगह का मास डीएम 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 लेना, कैलकुलेशन करना ही बहुत मुश्किल है। हमें आदत है एक मास पे काम करने की, एम बस फटाफट एम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास। जैसे इस पूरी घड़ी के ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पर सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, सेंटर पे। तो आप इसको ना, इसको इस तरीके से टिका के देखो, जहां पर भी ये टिकती होगी इस तरीके से, तो हम मानेंगे इसका सेंटर ऑफ मास है, वो पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि वहां पर उसका सारा मास पड़ा होगा जहां पर मैंने इसको बैलेंस कर लिया, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में मास वहां पर सारा नहीं पड़ा होता, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन उससे क्या हो जाएंगी, इजी। तो आप कहोगे कि ये कैसा मानना हुआ, रियलिटी कुछ और है, मान कुछ और रहे हो, जबकि एक मास तो वो सारा का सारा मास एक पॉइंट पे तो है भी नहीं। पर अगर कैलकुलेशन में आंसर सेम आता हो फिर क्या प्रॉब्लम है किसी को? अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन से काम करें, इंटीग्रेशन से काम करें, और विदाउट इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास एक लाइन में काम कर दें और आंसर दोनों के सेम आते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक है, फिर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इसका मतलब यूज करेंगे हम, क्यों इंटीग्रेशन करेंगे? क्लियर यहां तक? तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का हमेशा सेंटर पे ही होगा, जरूरी नहीं है। इस क्लास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सब लोग इस क्लास में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई इस क्लास को एक उंगली पे उठाना चाहे तो नीचे जाए, इस बॉक्स को, इस क्लास को एक उंगली पे ऐसे उठा ले तो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर सारे बच्चे इस तरफ आ जाएं उठ के, फिर कैसे बैलेंस होगी? फिर सारा भार यहां पर आ गया, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं शिफ्ट हो गया। अब होगा कहां पर सेंटर ऑफ मास? ये रहा मान लो सेंटर ऑफ, आपको कि ये क्या, या तो मास ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास आप लोगों के बीच में निकलेगा, हवा में निकल सकता है, इमेजिनरी है। ये तो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका बताया गया है, ये कोई रियलिटी में थोड़ी ना होता है। फिर आपको पता कैसे लगता है सेंटर ऑफ मास कहां पर है? उसके लिए आपको चैप्टर करना पड़ेगा, जिस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि अगर आप, इतना ही आसान होता सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, फिर 7 दिन में क्या करूंगा यहां बैठ के? मैं पूछूंगा कि इस रूम का सेंटर ऑफ मास कहां, आप कहोगे सेंटर। घड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां, आप कहोगे सेंटर। इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहां, फिर सेंटर। तो आपको तो आता ही है, क्वेश्चन ये थोड़ा आएंगे। क्वेश्चन आएंगे ये लोहे का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, यहां ज्यादा मास है यहां कम मास है, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे नहीं होगा, जहां ज्यादा मास है। लोकेशन निकालो, कोऑर्डिनेट निकालो, ये क्वेश्चन आएंगे सेंटर ऑफ मास में। लेकिन जिनमें मास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उनमें बड़ा आसान होता है, सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? सेंटर पे। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं। सपोज ये एक चेन है, ये चेन की कितनी लेंथ हवा में लटक रही है? L/3। इस पूरी चेन, लटकती हुई चेन का मास बताओ क्या होगा? अगर लेंथ L है तो मास M है, 1 है तो M/L है, और अगर L/3 है तो M/L × L/3 कितना आ गया? M/3। तो लटकती हुई चेन का मास कितना है? M/3। ये मास हम इमेजिन करते हैं कहां पर पड़ा होगा? चेन के सेंटर पे। हम नहीं मानेंगे कि यहां 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 पड़ा हुआ है, अगर ऐसे कर लिया फिर इंटीग्रेशन है। और अगर आसान तरीके से करना चाहते हो, मत मानो कि यहां पर कोई मास है, बस ये मानो कि मास एग्जैक्टली चेन के सेंटर पे है। ये रहा सेंटर, हमें कहीं मास दिख ही नहीं रहा, हमें तो बस ये दिख रहा है। और यहां पर कितना मास पड़ा हुआ है? M/ मास को नहीं आधा कर देना, मास नहीं, 10 किलो का मास 5 किलो का नहीं हो जाता है यहां पे, मास तो पूरा रहता है, लेकिन पॉइंट ऑफ लोकेशन मास की कहां हो जाती है? एग्जैक्टली सेंटर पे। तो मास तो M/3 है, सेंटर पे है। अब मेरा काम है इस मास को उठा के यहां रखना। अब मेरे को तो एक ही मास दिख रहा है बस, तो मेरे को बोलो कितनी हाइट पे लेके जाना है इसे? L/6। तो बोलो वर्क डन क्या होगा? मास टू जी इंटू हाइट। मास की जगह कितना? M/3 मास को उठा के रख रहे हैं, जी कितनी हाइट पे यहां से यहां? L/ आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आता है। बस आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो आने वाले टाइम में आएगा। फिलहाल तो अभी क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो मुझे भी बताना पड़ा। तो कैसे करना है समझ में आ रहा है? पहले टोटल मास निकाल लो, मास को इमेजिन कर लो कहां पर पड़ा हुआ है, एट सेंटर। बस फिर भूल जाओगे यहां पर मास भी है,
बस फिर ये बोलो कि ये मास कितनी हाइट पर है, एल बाई सिक्स, तो आंसर एम जी इंटू एम बाई थ्री इंटू जी इंटू एल बाई सिक्स। क्या स्टेप समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? अब जैसे सपोज करो, ये मेरा एक लास्ट जो क्वेश्चन मैं करना था, इसमें वो कह रहा है कि जो 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 चेन है, चेन कितनी लेंथ हवा में लटक रही है, एल। चेन का डी पता है क्या गिवन है, लीनियर डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है लीनियर को अंडरलाइन करो। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं मास पर यूनिट लेंथ, लिख लेना। लीनियर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, वर्ड लीनियर का मतलब लेंथ, ठीक। तो क्वेश्चन वही है, बताओ इस चेन को उठा के ऊपर रखना है, पहले इमेजिन करते हैं इस चेन का मास बोलो कितना है, बोलो मास तो एम गिवन ही नहीं, कैसे निकलेगा? क्या मैं इसका मास ऐसे निकाल सकता हूं, डी को एल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि डी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ मास। क्लियर है? फिर से, डी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ मास, ठीक। तो इसका मास आ गया, तो इसका मास बोलो कितना आ गया, डी इंटू एल आ गया। कहां पर इमेजिन करना है, इसके और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से कितना होगा, एल बाय, तो इस मास को उठा के एल बाय टू ऊपर रखना है, तो वर्क डन बोलो क्या होगा, मास इंटू जी इंटू हाइट, तो मास की जगह कितना, डी इंटू एल, हाइट की जगह कितना, एल बाय टू। आंसर कॉन्सेप्ट समझ में आया? हालांकि सेंटर ऑफ मास में ऐसी रोज की प्रॉब्लम्स होंगी, ये सबसे आसान क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, इसमें तो आप मास्टर हो जाओगे कुछ दिनों में, ठीक।